हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बी ऑप्शन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर। वैल्यू फॉर कॉपर इज हाईली पॉजिटिव। सी क्रोमियम 2+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चा ये कॉपर से कॉपर 2+ है, ठीक है, क्लियर। सो बच्चा वो आपसे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं और उसमें बता रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो पहले में पूछ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। दूसरे में पूछ रहा है कि कॉपर 2+ जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कॉपर 2+ की, वो उसकी वैल्यू हाई क्यों पॉजिटिव है। तीसरा, जो कॉपर 2+ है इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्यों है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है बच्चा ऑक्सीडेशन, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन स्पीसीज, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करेगा वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो ऑक्सीडेशन करेगा और वही सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब हम इसके आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। फर्स्ट है आपका बच्चा ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन टू डिफरेंट, टू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट है आपकी n-1 d ऑर्बिटल एंड दूसरी है आपकी ns ऑर्बिटल, ठीक है, ns ऑर्बिटल, क्लियर। अब बिकॉज बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स इज स्मॉल, बोथ एनर्जी लेवल्स कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन दिस रिजल्ट्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। क्योंकि जो ये n-1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल, इनमें एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, ये वेकेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल में ट्रांजिट करता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ये इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना, मतलब एक तरीके से कोवलेंट कंपाउंड में जब कभी कोई एक एटम चार्ज असाइन करता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब बी वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ वैल्यू ऑफ कॉपर इज हाईली पॉजिटिव। इसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है बच्चा इसका।
ऐसा क्यों होता है? देखो, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 18, 3d10, 4s1, ठीक है, यही होगा 28, 28 प्लस 9। अब हमारा क्या है, कॉपर प्लस 2, ठीक है, कॉपर प्लस 2 क्या है आपका, आर्गन 18, कॉपर प्लस 2 है ना, ठीक है, हाईली पॉजिटिव, तो इसमें क्या होता है 3d9 हो गया, ठीक है। अब 3d9 हो गया तो बच्चा क्या होगा, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो स्टैंडर्ड ई नॉट वैल्यू है इज हाईली पॉजिटिव, बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो ट्रांजिशन इसलिए इजिली कर लेगा, हाईली पॉजिटिव वैल्यू, हाईली पॉजिटिव वैल्यू किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट की वजह से, जिससे वो मैक्सिमम ट्रांजिशन शो करेगा, इसलिए इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, हाईली पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं, क्रोमियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, थर्ड क्रोमियम 2+ हैज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज क्रोमियम 2+ हैज D4 कॉन्फिगरेशन, D4 कॉन्फिगरेशन वाइल क्रोमियम 3+, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है इजिली लूज करेगा, तो किस में कन्वर्ट जाएगा, क्रोमियम 3+ में, हैज मोर स्टेबल 5, 3d5 कह सकते हो आप, इधर भी 3d4 है ये, ठीक है, कॉन्फिगरेशन, और 3d5 क्या होता है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल, दस क्रोमियम हैज अ टेंडेंसी टू एक्वायर क्रोमियम 3+ ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेंस क्रोमियम प्लस टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि +3 क्या है, उसमें 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से उसके क्या है, +3 को ज्यादा वो प्रेफर करता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। बच्चा हमारे तीनों के रीजंस हो गए हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।